गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग का, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हम लोग का फायर। हिंदी में फायर को आग कहा जाता है। आग है क्या? तो गर्मी के साथ जो प्रकाश प्राप्त होता है उसी को हम लोग आग कहते हैं। और आग में हम लोग देखते हैं कि जो गर्मी होता है, जब वो गर्मी 900 डिग्री टेम्परेचर, जब उसका 900 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, तब वो हमको उससे तब उससे हमको प्रकाश उत्पन्न होता है। और 900 डिग्री से जब तक वो कम रहता है तो क्या होता है, गर्मी महसूस होता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। अब है कि आग जो होता है, आग के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मौलिक आवश्यकता क्या है? कहीं भी आग लगने के लिए मौलिक आवश्यकता क्या है? तो मौलिक आवश्यकता जो है आग लगने के लिए वो तीन है। पहला है हीट, जिसको हिंदी में गर्मी कहा जाता है। दूसरा है फ्यूल, जिसको ईंधन कहा जाता है। और तीसरा जो है काफी इम्पोर्टेंट है, वो ऑक्सीजन। तो ये तीन में से अगर कोई एक भी अगर अनुपस्थित रहेगा तो वहां आग उत्पन्न नहीं होगा। ये तीन जब रहेंगे तभी आग उत्पन्न होगा। तो मेन जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जैसे मुख्य कारक जो है, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वह मुख्य कारक कहलाता है। ऑक्सीजन के कारण आग बहुत जल्द पकड़ता है, और आग बुझाना भी अगर होता है तो हम लोग ऑक्सीजन का संपर्क अगर वहां पर हटा देते हैं तो वहां पर आग आसानी से बुझ जाता है। तो आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट अहम रोल करता है, और आग बुझाने में भी वो काफी इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि अगर हम लोग हीट गर्मी कम करते हैं तो आग जो है वो धीरे धीरे कम होगा। उसी तरह अगर फ्यूल को हम लोग हटाते हैं, जैसे लकड़ी कहीं जल रहा है, लकड़ी या कोयले को हम लोग बाहर निकाल दें तो क्या है, वो आग समाप्त नहीं होगा, उसमें कुछ देर के बाद धीरे धीरे आग समाप्त होगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का संपर्क हम लोग हटाते हैं आग पूर्ण रूप से तुरंत बुझ जाता है। तो ये जो है ट्राइसाइकिल है, आग का ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसको एक त्रिभुज के रूप में दिखाया गया है। इसके एक साइड को हीट, एक साइड को ऑक्सीजन और दूसरे साइड को हम लोग फ्यूल कहते हैं। हमें इस टॉपिक से आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आग है क्या, आग का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आग को नियंत्रित करने का सबसे मुख्य कारक कौन सा है जिसको हटाने पर आग तुरंत नियंत्रित हो जाता है, या कौन सा वो कारक है जिसके कारण आग जल्दी पकड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि आग जो होता है उसको हम लोग टाइप ऑफ फायर प्रकार कहते हैं, और आग का जो वर्गीकरण किया जाता है वो चार प्रकार से किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अब ये क्लास ए आग क्या है, क्लास बी फायर क्या है, क्लास सी फायर क्या है और क्लास डी फायर क्या है, किस आग को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, इनमें जो आग लगते हैं उसको हम लोग क्लास ए आग कहते हैं। क्लास ए आग को बुझाने के दो विधि है, एक विधि को शीतलन विधि कहते हैं और दूसरे विधि को अवरोधन विधि कहते हैं। ये शीतलन विधि क्या है, तो पानी के बौछार से जो आग को बुझाया जाता है उस आग को हम लोग, उस विधि को हम लोग शीतलन विधि कहते हैं। और अवरोधन विधि में क्या होता है, आग के ऊपर हम लोग जूट या कंबल को डाल देते हैं जो कि आग से ऑक्सीजन का संपर्क खत्म कर देता है। एग्जाम में ये दोनों विधि के बारे में भी पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी काफी आपका इम्पोर्टेंट होता है। तेल, पेट्रोल और डीजल में लगने वाले आग को क्लास बी श्रेणी में हम लोग रखते हैं। उसी प्रकार क्लास सी में हम लोग किस आग को रखते हैं, तो क्लास सी में हम लोग गैस, में जो आग लगता है
गैस के कारण जो आग लगता है उस आग को हम लोग क्लास सी में रखते हैं, और इलेक्ट्रिक के द्वारा जो आग लगता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो आग लगता है उस आग को क्लास डी में रखा जाता है। हिंदी के क्वेश्चन में यहां पर ए बी सी के जगह क ख ग और घ भी लिखा हुआ रहता है। आज की क्लास में हम लोगों ने आग के बारे में देखा, आग है क्या, इसका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आग कितने प्रकार का होता है, किस अर्थ में लगे आग को क्या कहा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।